अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं जहूर जमीर। इस वक्त हम द्रास में हैं और आज यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस कारगिल लद्दाख ने एक आर्चरी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, जहाँ पे बहुत सारी टीमों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। तो हम पूछेंगे यहाँ के प्लेयर्स से, कुछ इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपसे, और यहाँ के जो सपोर्ट है हिमालयन सपोर्ट से, उनके प्रेसिडेंट से भी मिलाएंगे। तो देखते हैं, इस वीडियो को पूरा देखिए। जैसे कि आप जानते हैं कि आज यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुलिस कारगिल की जानिब से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जो है यहाँ पे आर्चरी चैंपियनशिप यहाँ पे चल रहा है। वो हर साल हॉर्स पोलो भी करवाते हैं, आइस हॉकी भी करवाया, सुनो सिकी भी पुलिस ने कराया, तो इस बार वो आर्चरी करवा रहा है। तो हम सबसे पहले तो जंकर पुलिस के सरबरा SSP डॉक्टर विनोद साहब और उनके सीनियर ऑफिसर्स SHO द्रास और उनके तमाम जवानों का शुक्रिया अदा करते हैं कि इस बर्फ़ वाले इलाके में जहां लोग जो है कोई और सोर्स ऑफ एक्टिविटीज़ नहीं है, उसको मनोरंजन कराने के लिए और अपने टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए आर्चरी यहां चल रहा है, जिसका आप देख रहे हैं कि अभी तक दो अहम मैचेस हो चुके हैं, जिसमें पहला मैच यहां मुरादबाग ने वन साइडेड मैच जीत लिया है D3 को हरा के, और अभी अभी जो दूसरा मैच जो है बड़ी क्लोजिंग कंटेस्ट के बाद बिम्बर्ड ने जो है MB रॉयल को शिकस्त देकर बिम्बर्ड ने जीत लिया। तो आगे और मुकाबले होंगे, तो कुल मिला के हमें लगता है कि खासकर इस लद्दाख में जो है इन गेमों का काफ़ी पोटेंशियल है, चाहे वो आर्चरी को ले लो, चाहे विंटर सपोर्ट्स में आइस हॉकी सुनो सिकी को ले लो, और एडवेंचर सपोर्ट्स और रॉयल सपोर्ट्स में हॉर्स पोलो को। मुझे लगता है कि सरकार को इन्हीं गेमों में ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहिए, क्योंकि ये हमारा इलाके की स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और साथ साथ ये यहाँ का ट्रेडिशनल सपोर्ट्स भी है। मुझे और आप जानते हैं कि विंटर सपोर्ट्स में तो अक्सर हमारा इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लद्दाख के लोग, आइस हॉकी में, अब सुनो सिकी में भी हमारे लोग जा रहे हैं, और आर्चरी में भी काफ़ी टैलेंटेड है। तो बस हमारी यही रिक्वेस्ट है द्रास जैसे इलाके में जो सेकंड कोल्डेस्ट की वजह से दुनिया में मशहूर है, आज बारिश के कुछ दिन है हर जगह फसल हो रहा है, लेकिन द्रास में आइस हॉकी चल रही है, तो ये आपको बताता है कि कितना नेचुरल यहाँ क्लाइमेट इस विंटर सपोर्ट्स के लिए द्रास आइडल है। बट सिर्फ ज़रूरत है कि सरकार को, खासकर UT सरकार जो हमारी अब जिससे ज़्यादा उम्मीदें हैं, उनसे चाहिए कि प्रॉपर लोगों को प्रमोट करें, प्रॉपर से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट करें, ताकि हम एक नेचुरल विंटर डेस्टिनेशन द्रास को दुनिया में, बल्कि हिंदुस्तान में बना सकते हैं यूरोप के बाद। तो बस यही हमारी रिक्वेस्ट है। थैंक यू सर।
आज आज यहाँ पे द्रास आर्चरी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो चला रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। जैसे आपको मालूम है कि ये जो लद्दाख जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है इस चीज़ों में काफ़ी मतलब आगे से काफ़ी पहले कुछ सालों से काफ़ी इन चीज़ों पे काफ़ी प्रमोट कर रही है। तो आपको पता है यहाँ आर्चरी का टूर्नामेंट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से यहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो इससे बहुत सारे लोग इसमें अवेयर हो जाते हैं। काफ़ी पोटेंशियल है यहाँ पे इनसे गेमों का। जैसे आपको मालूम है कि आइस हॉकी, अच्छा आपको हॉर्स पोलो या बाकी चीज़ें जो यहाँ द्रास में बहुत बड़े मशहूर हैं, तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि ऐसे इवेंट्स करके ताकि यूथ उसको आगे देने के लिए एक मौका मिलता है। थैंक यू सर। ओके थैंक यू आगा सिंह। तो इस वक्त मेरे साथ हैं मोहम्मद मकबूल जो कि आर्चरी के एक माने जाने प्लेयर हैं। सर आज क्या कहना चाहते हैं? आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं यहाँ के जो हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस का बहुत बहुत शुक्रगुजार है, उन्होंने इससे टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ किया। क्योंकि अगर इससे खेल की बात करें तो हमारे लद्दाख का जो है ये ट्रेडिशनल गेम है, इसके अंदर हमारे खून में ये जो खेल है ये दौड़ता है, बहुत ही बड़े लेवल तक इससे पहुँचा सकता है हमारे यूथ से, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो बहुत बढ़िया इनिशिएटिव यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने उठाया है, बहुत बढ़िया है। यूथ के अंदर बहुत पोटेंशियल है। पिछली बार दो दिन पहले हमारे लद्दाख आर्चरी एसोसिएशन का भी बोलता है जो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन खोला है लेह में, तो वहाँ के एक टीम जिससे करगिल में आए थे, हमारी द्रास से 6 प्लेयर्स गए थे, जिसमें यहाँ पर आप लोगों ने जो मीडिया को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे द्रास में भी बहुत बड़े आर्चर्स है, इस गेम में भी बहुत आगे लेवल तक पहुँचा सकता है। खासकर तो देखो मैं अपनी बात करूं तो इस उम्र में पहुंचा है, आज तक हमें कभी किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किसी लेवल तक हमें नहीं पहुंचा है। ये जो हम मेहनत करते हैं ये खुद इतने लोकल लेवल पर करते हैं जिसकी वजह से आगे तक पहुंच नहीं पाते। कराटे के लिए हमारे बच्चे नेशनल लेवल तक गए हैं, तो बाकी खेलों में भी आइस हॉकी में भी माशाल्लाह गए हैं। स्कूल के थ्रू अगर जाएंगे तो यूथ को काफ़ी ये मिलेगा, तो बाकी हम जो कोशिश करते हैं वो तो इसी लेवल पे ही आते हैं, आगे पहुंच नहीं पाते हैं। जी थैंक यू।